हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऑनलाइन ट्रेन रेक की इन्फॉर्मेशन कैसे देखी। आप रेलवे के डिब्बे में इंजन से आपके रेलवे की डिब्बे की स्थिति क्या है, जगह कहाँ है, ये आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन जान सकते हैं। चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन में आपका डब्बा इंजन से कहाँ पर है, जनरल डब्बा, स्लीपर कोच या एसी कोच, इंजन से कितने नंबर पर है, ये मैं आज आपको ऑनलाइन कैसे चेक करना है ये बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके रेलवे का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, जो ऐप हमें इंस्टॉल करना है वो है eTrain.info। ये ऐप मैंने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लिया है, आप भी अपने मोबाइल पर इसे इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ये ऐसे दिखेगा। इसके बाद हमें ट्रेन शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेन शेड्यूल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ट्रेन का नंबर डालना है, जिस ट्रेन का हम चाहते कि उस ट्रेन का डब्बा इंजन के बाद कौन से कितने नंबर पे है ये देखने के लिए। तो गाड़ी का नंबर हम इंसर्ट करेंगे। हमारी गाड़ी हमें मिल गई है। गेट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। गेट शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर नीले कलर में आपको सब मेनू दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद रेक इंफॉर्मेशन ऐसा करके सबसे लास्ट में ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें दिख जाएगा कि इंजन से कौन से नंबर पर कौन सा डब्बा है। आप देख सकते हैं पहले नंबर पर गार्ड का डब्बा है, दूसरे इंजन से दूसरे नंबर पर जनरल डब्बा है, तीसरा जनरल, उसके बाद इंजन से चौथा डब्बा एसी है, पाँचवा एसी थ्री टीयर है, छठा सातवा और आठवा एसी थ्री टीयर है, नवा पेंट्री कार है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनरल डब्बे कहाँ पर है, स्लीपर कोचेस आगे है या पीछे है और एसी डब्बे कहाँ पर है। उस तरह से आप स्टेशन पे जाके खड़े हो सकते हैं और आपको पहले से पता रहेगा कि आपका डब्बा जो है वो कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने के बाद ट्रेन ज़्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती, इसलिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा डब्बा आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है। इस वजह से आपको आसानी होगी। थैंक यू।